दोस्तों, हाल ही में 2000 के नोट को सरकार ने निशाना बनाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने शुक्रवार यानी 23 मई को एक अहम फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला किया है, यानी अब 2000 के नोट चलन में नहीं होंगे। RBI ने बैंकों को सलाह दी है कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 के नोट ग्राहकों को देना बंद कर काला धन कंट्रोल में आएगा। जानकारी के मुताबिक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत RBI ने यह बड़ा फैसला लिया है। RBI के मुताबिक ये नोट 30 सितंबर 2023 के बाद जारी नहीं होंगे। क्या आप जानते हैं 2000 के नोट को कब शुरू किया गया था और इसके पीछे की वजह क्या थी? 6 साल पहले यानी 2016 आपको याद तो होगा ही, जब सरकार ने नोटबंदी का ऐलान करते हुए 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। सरकार के इस फैसले से जनता में काफी आक्रोश देखने को मिला था। 500 और 1000 के नोट को बैन करने के बाद सरकार ने 2000 रुपए का नोट किया। इस नोट को लेकर कई सारी बातें सामने आई थी कि इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं। टेक्नोलॉजी GPS का है, अगर कुछ भी लेकिन बाद में पता चला कि सारी फर्जी बातें हैं और जनता को गुमराह किया गया है। बता दें, जिस समय नोटबंदी हुई थी उस समय 500 और 1000 के नोट अर्थव्यवस्था के 80% हिस्सा थे। ऐसे में जब ये नोट चलन से बाहर हो गए तो इनकी भरपाई करना RBI के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अगर सरकार लगातार 24 घंटे भी नोटों की छपाई करती रहती तब भी उस अंतर को पाट पाना मुश्किल रहता है। इसी वजह से 2000 रुपए के नोट को चलन में लाया गया। आंकड़े के मुताबिक 2017 तक 2000 रुपए तक के नोट की अर्थव्यवस्था में 50% हिस्सेदारी हो गई थी। RBI के मुताबिक 2000 रुपए के नोट को आमतौर पर लेन देन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। RBI की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला लिया गया है कि 2000 रुपए के नोटों को चलन से हटा लिया जाए। हालांकि आपके पास अभी पूरा समय होगा कि आप बैंक जाकर अपने पास रखे 2000 रुपए के नोट को आसानी से बदल सकते हैं। बता दें, साल 2018 में सरकार ने 2000 रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी थी। दोस्तों, अगर आपको फैक्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।